Engineers Career Group is the leading institute providing ESE, GATE and SSC JE coaching. So today we are going to discuss stress distribution in soil. Stress actually होती क्या है? सबसे पहले तो stress होती क्या है? Stress is equal to force upon area. ठीक है? So soil में force लगेगी कैसे? Obviously soil में होगी gravitational force. ठीक है? सॉइल के डिफरेंट लेयर्स होगी, डिफरेंट लेयर्स का अपना मास होगा, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और सॉइल में होगा सेकंड होगा वाटर. तो ठीक है, तो वाटर एंड सॉइल का टोटल वेस्ट जो होगा वो मास होगा, टोटल वो फोर्स लगेगी किसी प्लेन के ऊपर, प्लेन. ठीक है, तो वो फोर्स डिवाइड बाई एरिया हो गया टोटल स्ट्रेस. तो सबसे पहले आता है टोटल स्ट्रेस. टोटल स्ट्रेस सिंपली हो गया टोटल फोर्स अपॉन एरिया. टोटल फोर्स किस किस की वजह से होगी? जैसे हमने डिस्कस किया सॉइल का मास एंड सेकंड वाटर का मास. ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस में आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे वाटर एंड सॉइल. सेकंड आता है न्यूट्रल स्ट्रेस. न्यूट्रल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर. न्यूट्रल स्ट्रेस होता है स्ट्रेस ड्यू टू वाटर. वाटर में वाटर, सॉरी सॉइल में वाटर प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से स्ट्रेस लगेगा, वो न्यूट्रल स्ट्रेस होता है. उसको पोर वाटर प्रेशर भी बोलते हैं. राइट, अब इस स्ट्रेस को न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? न्यूट्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता है कि वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो फोर्स लगेगी हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है. ठीक है, तो सॉइल में जो वाटर में जो फोर्स होगी पोर वाटर प्रेशर और न्यूट्रल स्ट्रेस होगा वो सॉइल के हर कॉर्नर पे लगेगी. तो ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉइल की मूवमेंट पे. ठीक है, जैसे कि ये सॉइल पार्टिकल्स है, इसके अराउंड वाटर प्रेजेंट है, तो हर डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स लगेगी, तो इसकी वजह से ये मूव नहीं होगा. इसलिए न्यूट्रल स्ट्रेस होती है क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है सॉइल पे. ठीक है, सेकेंड आता है इफेक्टिव स्ट्रेस. इफेक्टिव स्ट्रेस थर्ड. ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस सिंपल होता है टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल स्ट्रेस. न्यूट्रल स्ट्रेस को हम जनरली यू से डिनोट करते हैं और पोर वाटर प्रेशर. ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस सिंपल मीनिंग हुआ इफेक्टिव. ठीक है, इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि इससे सॉइल की मूवमेंट होती है. सॉइल में जो भी सेटलमेंट होगी वो ड्यू टू इफेक्टिव स्ट्रेस होगी. ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट कैसे करना है? सिंपल टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस. ठीक है, टोटल स्ट्रेस में सिंपल हो जाएगा टोटल जो मास आ रहा है डिवाइड बाई एरिया. सिंपल एरिया का हमें इसमें लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जैसे कि सॉइल की सपोज करो वन लेयर है, ये सेकंड लेयर है. ठीक है, तो फर्स्ट लेयर की डेंसिटी है गामा 1, सेकंड वन की है गामा 2, इसकी डेप्थ है h1, इसकी है h2. ठीक है, अब सपोज कर लो कि वाटर ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पे है. ठीक है, डेप्थ h1 पे, तो टोटल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी? सिंपल टोटल स्ट्रेस हो जाएगी टोटल मास इसका. ठीक है, टोटल मास पर यूनिट एरिया. एरिया को हम यूनिट एरिया कंसीडर कर लेते हैं, उसके वजह से फिर टोटल स्ट्रेस कितनी हो रही है वो टोटल स्ट्रेस जैसे गामा 1 इंटू h1, इस केस में गामा 1 इंटू h1 प्लस अब यहाँ पे वाटर टेबल है तो ये वाली जो इसका जो यूनिट वेट लेंगे हम वो सेचुरेटेड यूनिट वेट लेंगे, गामा सेचुरेटेड इंटू h2. ठीक है, ये हो गया टोटल स्ट्रेस एट प्लेन ए एट दिस प्लेन. एट दिस प्लेन टोटल स्ट्रेस होगी गामा 1 इंटू h1 प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू h2, गामा सेचुरेटेड ऑफ सेकेंड लेयर, गामा सेचुरेटेड 2. ठीक है, अब सेकेंड आते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस. न्यूट्रल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर. न्यूट्रल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस सिंपल क्या होगा? वाटर की डेप्थ कितनी है इंटू गामा w. गामा w मीन्स यूनिट वेट ऑफ वाटर. ठीक है, तो अब इसमें सिंपल ग्राउंड वाटर टेबल की डेप्थ कितनी है, इस प्लेन के ऊपर कितनी है? सिंपल h2. ठीक है, तो न्यूट्रल स्ट्रेस कितना हो गया? h2 इंटू गामा w, H2 इंटू गामा w न्यूट्रल स्ट्रेस हो गया. तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा? सिंपल इन दोनों का डिफरेंस, इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल माइनस न्यूट्रल, गामा 1 इंटू h1 प्लस गामा सेचुरेटेड 2 इंटू h2 minus H2 into gamma W. Okay? Now we know that gamma saturated minus gamma W is equal to gamma submerged. तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपली गामा 1 इंटू एच वन प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू एच टू, गामा सबमर्ज्ड 2, दैट मीन्स गामा सबमर्ज्ड ऑफ सेकेंड लेयर. ठीक है, तो ये सिंपल हो गया टोटल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस. ठीक है, अब ये तो हो गया डिफरेंट प्लेन्स पे स्ट्रेस कैलकुलेशन का. अब इसके सेकंड आता है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. एक्चुअली स्ट्रेस जो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रही है, अकॉर्डिंग टू डेप्थ. ठीक है, अब इसमें सिंपल क्या हो गया कि हमें इसमें पता चल गया कि इस लेयर में स्ट्रेस कितना होगा. जैसे इस प्लेन पे सपोज करो दिस इज बीबी प्लेन. ठीक है, तो अप टू बीबी प्लेन स्ट्रेस कितना होगा, टोटल स्ट्रेस एट एनी डेप्थ जेड. ठीक है, एट एनी डेप्थ जेड सपोज कर लो ये पॉइंट है, यहाँ पे जेड डेप्थ है. एट एनी डेप्थ जेड टोटल स्ट्रेस कितना होगा, सिंपल गामा 1 इंटू जेड. ठीक है, तो अब इसका हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे टोटल स्ट्रेस का. टोटल स्ट्रेस को जनरली सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, सिग्मा. ठीक है, तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे ड्रॉ करना हो, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो अब यहाँ पे गामा 1 इंटू जेड ऑर्डिनेट हो गया सिंपल डेप्थ और एब्सिसा हो गया स्ट्रेस. ठीक है, तो सिंपल स्लोप कितनी होगी, 1 अपॉन गामा 1. ठीक है, तो सिंपल 1 अपॉन गामा 1 की रेट से वेरी करेगा. ठीक है, यहाँ पे एट डेप्थ H1. ठीक है, H1 है तो H1 पे कितना होगा, सिंपल गामा 1 इंटू H1. ठीक है, अब सेकेंड हो गया, सेकेंड लेयर में कैसे वेरी कर रहा है टोटल स्ट्रेस. अब सेकेंड लेयर में देखना है, सेकेंड लेयर में स्ट्रेस कितना होगा, एट एनी डेप्थ Z1 रख लो, एट एनी डेप्थ Z1 इन सेकेंड लेयर, एट डेप्थ Z2 Z1, सिग्मा इज इक्वल टू H1 गामा 1 प्लस H2 इंटू गामा सेचुरेटेड 2. ठीक है, अब इसमें जो वेरिएशन होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें स्लोप डिफरेंट हो गई, गामा सेचुरेटेड डिफरेंट हो गया. ठीक है, अब इसमें जो वेरी कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है वेरी, वो गामा सेचुरेटेड 2 की रेट से वेरी कर रहा है, स्ट्रेस वेरी कर रहा है. ठीक है, तो इसमें अब सिंपल इतना इसमें देखना है कि H सेकेंड H2 पे. ठीक है, स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस कितना होगा, गामा 1 इंटू H1 प्लस गामा सेचुरेटेड 2 इंटू H2. ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये जो स्लोप आएगी, यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है. ठीक है, ये स्लोप मोर देन दिस वन होगी, लेस देन दिस वन होगी और इक्वल टू दिस स्लोप होगी. ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल ये H2 है. ठीक है, अब सिंपल देखो इस इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, गामा H1 है और ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इस मैग्नीट्यूड और इस मैग्नीट्यूड का, गामा सेचुरेटेड 2 इंटू H2. ठीक है, तो अब सिंपल इसमें फाइंड आउट करना है कि कितने रेट से वेरी कर रहा है, कितने रेट से वेरी करेगा, गामा सेचुरेटेड 2 H2 डिवाइड बाई. ठीक है, जेड रख लेंगे हम यहाँ पे, डिफरेंस इसका गामा सेचुरेटेड 2 इंटू H2, सिंपल H2 रख लीजिए, H2 डिवाइड बाई H2. ठीक है, गामा सेचुरेटेड 2 की रेट से वो वेरी कर रहा है स्ट्रेस इसका. ठीक है, स्ट्रेस इसकी रेट से वेरी कर रहा है, तो अब इसकी जो इस डेप्थ H1 में जिस रेट से वेरी कर रहा था गामा 1 में, ठीक है, H2 में वेरी कर रहा है गामा सेचुरेटेड 2 से. ठीक है, तो किस में ज़्यादा रेट से वेरी कर रहा है, H2 डेप्थ में. ठीक है, तो इसकी स्लोप लेस देन दिस वन होगी, लेस देन दिस वन मतलब ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे. ठीक है, ये हो गया टोटल गामा सेचुरेटेड इंटू H2. ठीक है, इसका सिंपल मेथड भी कैलकुलेशन का क्या है कि स्लोप फाइंड आउट करना है कि लेस देन है, इक्वल टू है और ग्रेटर देन है. तो सिंपल इन दोनों का डिफरेंस देखना है, फिर देखना है कि डेप्थ में कैसे वेरी कर रहा है, डिफरेंस डिवाइड बाई डेप्थ. ठीक है, सेम इस केस में डिफरेंस गामा 1 इंटू H1 डिवाइड बाई डेप्थ. अब सिंपल फाइंड आउट करना है कि किस में रेट ज़्यादा है. ठीक है, जिसमें रेट ज़्यादा होगा उसमें ये स्लोप कम आएगी. ठीक है, ये स्लोप कम आएगी एज कम्पेयर टू दिस वन क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. ठीक है, तो ये स्ट्रेस वेरिएशन का होगा. अब इसमें सिंपल अगर न्यूमेरिकल लें, ठीक है, तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा. जैसे सपोज कर लो गामा 1 है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा सेचुरेटेड 2 है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ठीक है, H1 3 मीटर, H2 5 मीटर. अब इसमें टोटल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बीबी पे, फिर ए पे, ठीक है। तो एट बीबी टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिंपल गामा वन इंटू एच वन, ठीक है। गामा वन 18 इंटू 3 54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 54 एट बीबी टोटल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। न्यूट्रल स्ट्रेस इसमें कितना होगा, इसके ऊपर वाटर है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो न्यूट्रल स्ट्रेस जीरो हो गया, वाटर की डेप्थ जीरो है, ठीक है। तो सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस सिंपल सिग्मा माइनस जीरो, टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल स्ट्रेस, तो इफेक्टिव भी सिंपल 54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एट ए ए प्लेन, ए ए प्लेन पे क्या होगा, टोटल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है। तो यहाँ तक 54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस इसका वेट गामा सेचुरेटेड 2 इंटू एच टू 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू 5 मीटर, ठीक है। तो ये सिंपल कितना हो गया, 1110 प्लस 54 164 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टोटल स्ट्रेस आ गया एट ए ए। अब ए ए पे न्यूट्रल स्ट्रेस कितना होगा, यू इज इक्वल टू सिंपल वाटर डेप्थ मल्टीप्लाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें वाटर की डेप्थ कितनी है ग्राउंड वाटर टेबल की, 5 मीटर, 5 मीटर इंटू सपोज करो यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये क्या न्यूट्रल स्ट्रेस। अब इस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा एट ए ए, इफेक्टिव स्ट्रेस सिंपल टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल स्ट्रेस, टोटल 164 माइनस न्यूट्रल 50 इक्वल टू 114 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 114 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए ए, ठीक है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो हमें सिंपल, ठीक है। सबसे पहले टोटल स्ट्रेस का, टोटल स्ट्रेस का अब एट बी बी टोटल स्ट्रेस कितनी है 54, ठीक है। अब इसमें स्लोप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एट ए ए टोटल स्ट्रेस कितना है 164, ठीक है, 164। अब इसमें 54 डिवाइड बाई 3 ग्रेड से वो वेरी कर रहा है, ठीक है। अब इसमें 164 माइनस 54 110 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 110 डिवाइड बाई 5 22, ठीक है। और इसमें 54 डिवाइड बाई 3 18, ठीक है, 18 के रेट से वो वेरी कर रहा है, इसमें 22 के रेट से वेरी कर रहा है, तो सिंपल इसके ये आगे की तरफ एक्सटेंड होगा, ठीक है। दैट मीन्स इसकी स्लोप इससे कम होगी, ठीक है, स्लोप कम है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सिंपल स्लोप का थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रख लेना, हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर इस सॉइल पे सरचार्ज लोड लगा देंगे, सिंपल सपोज करो सरचार्ज लोड डेल्टा सिग्मा आ गया, ठीक है। तो डेल्टा सिग्मा का क्या इम्पैक्ट होगा, डेल्टा सिग्मा में अब टोटल स्ट्रेस में एट बीबी टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा गामा 1 इंटू एच वन प्लस डेल सिग्मा, ठीक है। और न्यूट्रल स्ट्रेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, राइट। वैसे ही एट ए ए पे टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा गामा 1 इंटू एच वन प्लस गामा सेचुरेटेड 2 इंटू एच टू प्लस डेल सिग्मा, ठीक है। न्यूट्रल स्ट्रेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। अब इसमें न्यूट्रल स्ट्रेस पोर वाटर प्रेशर का इम्पैक्ट, पोर वाटर प्रेशर पे इम्पैक्ट देखना, ठीक है। सपोज करो ये हमारे पास सॉइल है, सॉइल वाटर ग्राउंड वाटर टेबल की डेप्थ Z1 है, ठीक है। अब इसमें इसको कंप्लीटली सेचुरेटेड सपोज कर लेते हैं, ठीक है, इजी रहेगा, कंप्लीटली सेचुरेटेड है, ठीक है। अब इसमें सरचार्ज लग रहा है डेल सिग्मा, सरचार्ज डेल सिग्मा, ठीक है। अब इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक टी इज इक्वल टू 0 इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग जो सरचार्ज है ये कंप्लीटली वाटर वियर करेगा, ठीक है। ये पोर वाटर, ये जो टोटल डेल सिग्मा होगा ये सबसे पहले पोर वाटर पे आएगा, ठीक है। पोर वाटर पे आएगा तो इस पे जो वाटर प्रेशर होगा इंक्रीज करेगा, ड्यू टू सरचार्ज वो वाटर प्रेशर इंक्रीज करता है, उसको बोलते हैं एक्सेस पोर प्रेशर। ठीक है, तो इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग एक्सेस पोर प्रेशर होगा इज इक्वल टू डेल सिग्मा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सरचार्ज नहीं होता, ठीक है, सिंपल सपोज कर लो ये सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल का कंडीशन है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर पॉइंट एट डेप्थ Z1 पोर वाटर प्रेशर सिंपल कितना होगा Z इंटू गामा W। ठीक है, इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप जैसे पीजोमीटर इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे तो वाटर राइज करेगा ग्राउंड वाटर टेबल तक। ठीक है, Z इंटू गामा W, ये हो गया पोर वाटर प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, लेकिन अब हमने यहाँ पे सरचार्ज लगा दिया है। ठीक है, तो एट सेम डेप्थ Z पोर वाटर प्रेशर मोर देन लाइक अबव ग्राउंड वाटर टेबल होगा। क्यों ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर होगा? क्योंकि इसमें एक्सेस पोर प्रेशर भी लग रहा है। अब ये जो डेल सिग्मा है ये भी वाटर पे आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से वाटर जो कितना राइज करेगा ऊपर, सिंपल H इतना हाइट से राइज करेगा वाटर। ठीक है, सिंपल ड्यू टू एक्सेस पोर प्रेशर। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ तक था लेकिन अब H से और ऊपर राइज करेगा। ठीक है, तो ये एक्सेस पोर प्रेशर होता है। ये कंडीशन होता है इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग। तो अगर इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग के केस में हमने स्ट्रेस कैलकुलेशन करनी हो, ठीक है, तो सपोज करो दिस प्लेन पे फाइंड आउट करना है एट सिंपल, इसकी यूनिट वेट है गामा सैचुरेटेड। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? टोटल स्ट्रेस सिंपल डेल सिग्मा प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू डेप्थ H कंसीडर कर लीजिए, डेल सिग्मा प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू H टोटल स्ट्रेस हो गया। ठीक है, अब न्यूट्रल स्ट्रेस पे ध्यान रखना। न्यूट्रल स्ट्रेस में अब देखना कि हमने डिस्कस किया कि डेल सिग्मा जो है कंप्लीटली वाटर वियर करेगा, ये आता है एक्सेस पोर प्रेशर। तो इस केस में टोटल कितना हो जाएगा न्यूट्रल स्ट्रेस? H इंटू गामा W प्लस डेल सिग्मा, राइट, क्योंकि डेल सिग्मा वाटर वियर कर रहा है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो गया? इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सेम गामा सैचुरेटेड इंटू H माइनस H इंटू गामा W, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो सिंपल गामा सबमर्ज्ड इंटू H। ये केस है इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग। तो क्वेश्चन में कभी भी इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग होगा तो ध्यान रखना कि जो सरचार्ज लोड लग रहा है वो वाटर वियर करेगा। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, H इंटू गामा W प्लस डेल सिग्मा। लेकिन क्या होगा कि अब ये इसमें क्या होगा कि वाटर के ऊपर एक्सेस पोर प्रेशर आ गया, एक्सेस प्रेशर आ गया। तो सिंपल जो इसका ड्रेनेज फेस है, सपोज करो ये ड्रेनेज फेस है, ठीक है, तो इन दोनों में प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक है, तो वाटर मूव करेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब वाटर मूव करेगा जब तक कि प्रेशर बैलेंस आउट नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब वाटर मूव करता जाएगा तो प्रेशर यहाँ से जो एक्सेस पोर प्रेशर है वो सॉइल पे ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है, सॉइल पे ट्रांसफर होता जाएगा जब तक कि कंप्लीटली डेल सिग्मा जो है वो सॉइल पे ना आ जाता और इसका जो प्रेशर है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम टोटल स्ट्रेस सिंपल, टोटल स्ट्रेस सेम रहेगा, टोटल स्ट्रेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सेचुरेटेड सॉइल है। ठीक है, डेल सिग्मा प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू H। ठीक है, लेकिन अब न्यूट्रल स्ट्रेस पे क्या हुआ, जो एक्सेस पोर प्रेशर था वो डिसिपेट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि वाटर मूव कर गया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वाटर मूव कर गया तो प्रेशर डिसिपेट हो गया, वाटर सॉइल पे ट्रांसफर हो गया, प्रेशर सॉइल पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इस पर सिंपल एट AA न्यूट्रल स्ट्रेस कितना होगा? H इंटू गामा W। ठीक है, अब इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा? सिंपल टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल स्ट्रेस के डेल सिग्मा प्लस गामा समस्ट इंटू H। ठीक है, तो ये दो केस होते हैं सरचार्ज के केस में, इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम। तो ये ध्यान रखना। इसको अगर न्यूमेरिकली करें, सिंपल गामा सैचुरेटेड ले लीजिए 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, सच्चा सपोज करो 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेप्थ 5 मीटर। एट AA पे फाइंड आउट करना है। अब एट AA पे टोटल कितना हो जाएगा? सिंपल गामा सेचुरेटेड इंटू डेप्थ प्लस सरचार्ज, ठीक है। तो गामा सेचुरेटेड 22 इंटू 5 मीटर प्लस सरचार्ज 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 110 प्लस 50 160 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर टोटल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब ये केस हम कंसीडर करते हैं इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग का केस है, इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग। न्यूट्रल स्ट्रेस कितना है? न्यूट्रल स्ट्रेस, अब न्यूट्रल स्ट्रेस में H इंटू गामा W प्लस एक्सेस पोर प्रेशर, ठीक है। तो 5 मीटर इंटू 10 गामा W हम 10 कंसीडर करके चलते हैं प्लस 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये न्यूट्रल स्ट्रेस हो गया। इफेक्टिव इन दोनों का सिंपल डिफरेंस 160 माइनस 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग के केस में हमने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनानी हो तो, ठीक है। टोटल स्ट्रेस के केस में देखना, टोटल स्ट्रेस में सिंपल वेरी करेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना है 50, ये 50 आ गया, ठीक है, 50 रिप्रेजेंट करके। इसके बाद सिंपल कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई और सॉइल है नहीं इसमें प्रेजेंट, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना 160 50 और 160 सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। अब पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन करना, पोर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर डायग्राम, ठीक है। अब इस पॉइंट पे एक्सेस पोर प्रेशर सेम 50, ठीक है। अब उसके बाद किसकी रेट से फाइनल कितना है 100, ठीक है, 100, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल कितना हो जाएगा, ठीक है। एट दिस पॉइंट कितना है 0 है और इसके नीचे 50 है, इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसमें यू डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें देखो इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग पे इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर विदाउट सरचार्ज भी केस होता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना था, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम का केस लेंगे तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि एक्सेस पोर प्रेशर डिसिपेट हो जाएगा। अब ये जो सरचार्ज होगा वो सॉइल पे आ जाएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस में काउंट होगा, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम टोटल स्ट्रेस सेम रहेगा, ठीक है, 50 प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू 5, ठीक है, 110 प्लस 50 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूट्रल स्ट्रेस अब चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होगा कि एक्सेस पोर प्रेशर डिसिपेट हो जाएगा तो जो इसका ओरिजिनल पोर वाटर प्रेशर था वही रहेगा, सिंपल H इंटू गामा डब्ल्यू 5 इंटू गामा डब्ल्यू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इफेक्टिव स्ट्रेस इन दोनों का डिफरेंस 160 माइनस 150 110 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन टोटल स्ट्रेस का सेम रहेगा, पोर प्रेशर का 50 और इफेक्टिव स्ट्रेस का एट हाइट एट डेप्थ जेड इज इक्वल टू 0 पे 50 और इसके नीचे 110। किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पोर वाटर प्रेशर में दो केसेस हो गए, इमीडिएटली आफ्टर सम लोडिंग एंड आफ्टर सम टाइम। इसके बाद सेकंड केस आता है कैपिलरी। अगर कैपिलरी रिएक्शन हो, कैपिलरिटी फिनोमिनन हो सॉइल में तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस पे। अब कैपिलरिटी फिनोमिनन हमें पता है, कैपिलरिटी फिनोमिनन क्या होता है, सॉइल में कैसे होता है, सॉइल में जो माइन्यूट पोर्स होते हैं वो कैपिलरी ट्यूब्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो वाटर राइज कर जाता है उसमें, वाटर राइज कर जाता है तो सिंपल क्या होगा कैपिलरी में क्या होगा, वाटर राइज करने से वाटर में टेंशन आ जाती है, कैपिलरी टेंशन आ जाती है, ठीक है। कैपिलरी टेंशन आता है वो वाटर उसकी वॉल्स पे, वॉल्स मतलब ट्यूब्स पे, और सॉइल के केस में सॉइल पार्टिकल्स पे वो प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सपोज करो ये वाटर लेवल, इनिशियल वाटर लेवल है, ये कैपिलरी ट्यूब है, वाटर यहाँ तक राइज करेगा, ठीक है। वाटर यहाँ तक राइज कर रहा है, मतलब ये जो वाटर है वो कैपिलरी टेंशन में है। अब इसके नीचे जैसे ये यहाँ पे वाटर है वो अंडर प्रेशर, अंडर कंप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वाटर डेप्थ है। अब ये वाटर राइज कर रहा है तो ये टेंशन फोर्स लगेगी तभी राइज करेगा, ठीक है। तो इसमें कैपिलरी टेंशन होती है। सपोज करो HC हाइट से राइज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल HC इंटू गामा W टोटल कैपिलरी टेंशन यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है। और फिर ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे 0 इस पॉइंट पे 0, यहाँ पे HC इंटू गामा W। यह है कैपिलरी टेंशन। कैपिलरी टेंशन मतलब वाटर में जो टेंशन है वो कैपिलरी टेंशन, ठीक है। लेकिन अब ये जो कैपिलरी वाटर है ये इसकी वॉल्स पे भी, मतलब ये जो ट्यूब की वॉल्स है इन पे भी प्रेशर लगाएगा, ठीक है, उसको कैपिलरी प्रेशर बोलते हैं। अब ये कैपिलरी प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर HC इंटू गामा W, ठीक है, कैपिलरी प्रेशर। ठीक है, तो अब वाटर में कैपिलरी टेंशन है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसकी वजह से जो वाटर वॉल्स पे प्रेशर लग रहा है और सॉइल पार्टिकल्स पे प्रेशर लग रहा है उसको कैपिलरी प्रेशर बोलते हैं, एंड रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगा, तो इसको याद रखना सिंपल, ठीक है। कैपिलरी प्रेशर हो गया, कैपिलरी टेंशन हो गया। अब सपोज करो सॉइल की लेयर्स हैं, ग्राउंड वाटर टेबल इनिशियल इतना था, ठीक है। अब कैपिलरी की वजह से क्या हुआ कि वाटर राइज कर गया, ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर राइज कर गया, HC हाइट से राइज कर गया। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो सॉइल होगी सेचुरेटेड हो जाएगी क्योंकि इसमें वाटर आ गया, ठीक है। तो ड्यू टू कैपिलरी ये सेचुरेटेड हो रही है, ठीक है। अब इसमें सपोज कर लो गामा D और ये गामा सेचुरेटेड 1 1। अब यहाँ पे टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस फाइंड आउट करना हो, ठीक है। तो सबसे पहले एट 1 1 टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिंपल गामा D इंटू H1 माइनस HC। न्यूट्रल वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर अब इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब अगर ऐसे इन जनरल ग्राउंड वाटर टेबल होता तो यहाँ इसके ऊपर वाटर की डेप्थ नहीं थी, लेकिन ये जो वाटर राइज कर रहा है ये ड्यू टू कैपिलरी राइज कर रहा है, ठीक है। और हमने डिस्कस किया कैपिलरी टेंशन। कैपिलरी टेंशन मतलब इस पॉइंट पे कैपिलरी जहाँ तक, जिस पॉइंट तक राइज कर रहा है उस पॉइंट पे टोटल कैपिलरी टेंशन कितना लगेगा, HC इंटू गामा W नेगेटिव में, क्योंकि ये टेंशन है। इन जनरल वाटर कंप्रेशन में होता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये टेंशन में है तो ये नेगेटिव में होगा, माइनस HC इंटू गामा W। तो 1 1 पे पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, माइनस HC इंटू गामा W, ठीक है। अब इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस वी नो दैट टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल वाटर स्ट्रेस, न्यूट्रल वाटर प्रेशर और न्यूट्रल स्ट्रेस, ठीक है। तो सिग्मा माइनस U माइनस प्लस हो जाएंगे, तो सिंपल गामा D इंटू H1 माइनस HC प्लस HC इंटू गामा W, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे एट 1 1 प्लेन पे टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो ग्रेटर देन टोटल स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये भी एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है, 1 1 पे हो गया। अब एट 2 2 पे देखो, एट 2 2 पे टोटल स्ट्रेस कितना होगा, टोटल स्ट्रेस अब ये जो सॉइल है ये सेचुरेटेड हो चुकी है ड्यू टू कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो गामा D इंटू H1 माइनस HC प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू HC, टोटल स्ट्रेस एट 2 2, ठीक है। अब पोर वाटर प्रेशर इस पॉइंट पे कितना होगा, पोर वाटर प्रेशर अब देखो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया था, तो जहां तक कैपिलरी राइज कर रहा है उस पॉइंट तक HC इंटू गामा W नेगेटिव में, और उसके बाद ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एट 2 2 न्यूट्रल वाटर स्ट्रेस 0, ठीक है। तो सिग्मा डैश सिंपल एट इक्वल टू टोटल स्ट्रेस, एट 2 2 हो गया। और उसके बाद सिंपल केस होगा एट 3 3 पे, एट 3 3 प्लेन, एट 3 3 प्लेन पे टोटल से सिंपल गामा D इंटू H1 माइनस HC प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू HC प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू H2, H2 प्लस HC, क्योंकि ये पूरी सॉइल सेचुरेटेड है, ये सिंपल ग्राउंड वाटर की वजह से सेचुरेटेड है, एंड दिस वन ड्यू टू कैपिलरी वाटर। अब न्यूट्रल वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, एट 3 3 पे कितना वाटर राइज कर रहा है, कितनी वाटर की डेप्थ है, ठीक है, H2 तो H2 इंटू गामा W न्यूट्रल वाटर प्रेशर हो गया और पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिंपल टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल वाटर प्रेशर, ठीक है। तो गामा D इंटू H1 माइनस HC प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू HC, ठीक है। दिस वन गामा सेचुरेटेड इंटू HC प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू H2 माइनस H2 इंटू गामा W, ठीक है। तो गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W गामा समर्ज्ड प्लस गामा समर्ज्ड इंटू T3। फिर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिंपल एट 3,3 इफेक्टिव स्ट्रेस सिंपल सिग्मा माइनस यू, ठीक है। तो सिग्मा माइनस यू सिंपल गामा डी इंटू H1 माइनस HC प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू HC, ठीक है, प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू H2 माइनस H2 इंटू गामा W। तो गामा सेचुरेटेड इंटू माइनस गामा W सिंपल गामा समर्ज्ड इंटू H2, ठीक है। ये हो गया टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस एट 3,3 सिंपल। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो तो हम सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं। गामा डी सपोज कर लो 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा सेचुरेटेड 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब सपोज कर लेते हैं। H1 3 मीटर, H2 5 मीटर और HC 0.5 मीटर, ठीक है। कैपिलरी राइज 0.5 मीटर, ठीक है। तो एट 1,1 टोटल सिंपल कितना हो जाएगा, गामा डी इंटू 3 मीटर 18 इंटू 3 माइनस 0.5, ठीक है। एट 1,1 टोटल 3 मीटर है, ये 0.5 है तो 3 माइनस 0.5 18 इंटू 3 माइनस 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एट 1,1 हो गया। अब एट 1,1 पे यू कितना है, नेगेटिव में है, माइनस HC इंटू गामा W, ठीक है, माइनस 0.5 इंटू 10, ठीक है, तो माइनस 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफेक्टिव सिंपल सिग्मा माइनस यू, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 18 इंटू 2.5 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा डैश हो गया, ठीक है। अब एट 22 पे सिग्मा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस वन, गामा डी इंटू 2.5 मीटर प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू 0.5 मीटर, ठीक है। तो गामा सेचुरेटेड 22 है और गामा डी इस पॉइंट तक, गामा डी इंटू 2.5 कितना है 45 प्लस 5 45 गामा 18 इंटू 2.5 है 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 प्लस 5 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एट 22 टोटल स्ट्रेस कितना होगा 45 प्लस 45 मतलब गामा डी इंटू 2.5 प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू 0.5, ठीक है। तो गामा सेचुरेटेड 22 इंटू 0.5 11 56 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टोटल स्ट्रेस हो गया। अब एट 22 पोर वाटर प्रेशर 0, ठीक है, सिंपल ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस HC इंटू गामा W, ट्रेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे 0 हो गया तो U इज इक्वल टू 0। तो इफेक्टिव स्ट्रेस सिंपल 56 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एट 3,3 टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है, 56 प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू 2 56 प्लस 22 इंटू 5 110 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर 166 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूट्रल वाटर प्रेशर कितना है एट 3,3 पे, वाटर डेप्थ कितनी है 5 मीटर 5 और यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लेंगे तो 5 इंटू गामा W 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिंपल सिग्मा माइनस यू, टोटल स्ट्रेस माइनस न्यूट्रल वाटर 166 माइनस 15 116 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल स्ट्रेस, अब टोटल स्ट्रेस एट 1,1 पे सेम रेट से वेरी कर रहा है, ठीक है। एट 1,1 पे कितना है 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एट 2,2 पे देखना, एट 2,2 पे टोटल स्ट्रेस है 56 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें स्लोप देख लें कि स्लोप सेम रहेगी, लेस देन होगी या ग्रेटर देन होगी, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है कि 45 डिवाइड बाई 2.5 और 56 माइनस 45 डिवाइड बाई 0.5, ये 0.5 डेप्थ है, ये 2.5 डेप्थ है, ठीक है। तो किसमें ज़्यादा रेट से वेरी कर रहा है, सिंपल, ठीक है। तो 45 डिवाइड बाई 2.5 और 11 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है। तो सिंपली इसमें ज़्यादा मैग्नीट्यूड ज़्यादा रेट से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें स्लोप कम होगी, इसके ज़्यादा इस साइड जाएगा, ठीक है, स्लोप कम होगी, ठीक। एट 2.2 हो गया। अब एट 3.3, एट 3.3 पे टोटल स्ट्रेस 166 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कितने रेट से वेरी कर रहा है, ये है 5 मीटर, 166 माइनस 56 110 डिवाइड बाई 5 22 की रेट से वेरी कर रहा है। अब इसमें कितने की रेट से वेरी कर रहा था, 11 डिवाइड बाई 0.5 22 की रेट से, ठीक है। तो इन दोनों में मतलब सेम रेट से वेरी कर रहा है, सेम रेट से वेरी करेगा तो स्लोप सेम आएगी, ठीक है। तो ये स्लोप सेम रहेगी, बस इन दोनों में डिफरेंस होगा, सिंपल दिस वन और दिस वन, ठीक है। ये टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। पोर वाटर प्रेशर अब इस पॉइंट तक तो यहाँ से लेकर अप टू 2.5 मीटर तो कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अब 2.5 मीटर तक कैपिलरी, इसमें 2.5 मीटर पे कैपिलरी राइज है, ठीक है। तो कैपिलरी राइज में नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। नेगेटिव इस साइड कंसिडर कर लो, नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव कितना जाएगा, माइनस HC इंटू गामा W, माइनस HC कितना 0.5 और गामा W के 10 कंसिडर करेंगे तो माइनस फाइव, ठीक है। -5 यहाँ तक इस पे 0 हो जाएगा, उसके बाद सिंपल गामा W H2 5 मीटर इंटू गामा W 50, इस पॉइंट पे 50, ठीक है 50। पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो पोर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की ये डायग्राम, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस, अब इफेक्टिव स्ट्रेस अप टू 1.1, ठीक है। अब यहाँ 1.1 तक, इस डेप्थ तक अप टू 2.5 मीटर तक किस रेट से वेरी करेगा, सिंपल इफेक्टिव स्ट्रेस एट एनी डेप्थ जेड हम कंसिडर करें तो एट एनी डेप्थ जेड तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो, गामा डी इंटू जेड, ठीक है। तो यहाँ तक सिंपल गामा डी वेरिएशन होगा, सिंपल, ठीक है, यहाँ पे। अब लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, एट डेप्थ 2.5 मीटर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू कैपिलरी राइज। इंक्रीज कितना कर रहा है, वैसे यहाँ पे कितना होता है, अगर कैपिलरी राइज नहीं होता तो इस पॉइंट तक कितना होना था, 18 इंटू 2.5 45, ठीक है 45। लेकिन एट 1.1 पे टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ रहा है, 50, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये 45 है, ये 5 है, ठीक है। तो टोटल 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस कितने रेट से इंक्रीज करेगा, सिंपल 45 प्लस एट 2.2 पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, 2.2 पे इफेक्टिव स्ट्रेस 56 एट 3.3 पे इफेक्टिव स्ट्रेस 1.16, ठीक है 1.16। अब कितनी रेट से वेरी करेगा, इसमें यहाँ पे 45 है, 18 45 डिवाइड बाई 2.5 18 की रेट से वेरी कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कितना इंक्रीज किया, टोटल 50 है, यहाँ पे 56 है, 6 इंक्रीज किया, कितने में 0.5 में, तो 6 डिवाइड बाई 0.5 3, ठीक है 12, ठीक है 6 डिवाइड बाई 0.5 12 की रेट से वेरी करा है और यहाँ पे 18 की रेट से वेरी करा था, ठीक है। तो स्लोप ज़्यादा होगी, ये अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। अगर इनिशियल ये वाली स्लोप ऐसे थी, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से वेरी करेगा तो इसके पैरेलल अगर ऐसे स्लोप थी, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ आएगा, इससे कम स्लोप होगी, ज़्यादा स्लोप होगी, सॉरी, ठीक है। ये 56 हो गया, ठीक है। इसके पैरेलल ये वाली स्लोप है, लेकिन हमें पता है कि एक्चुअल में वेरी कैसे कर रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस, यहाँ पे कम रेट से वेरी कर रहा है तो ये अंदर की तरफ आएगा तो ये स्लोप ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टीप है, ठीक है। ये 56 हो गया। अब इसके बाद कितने रेट से वेरी कर रहा है, सिंपल सेम 1.16 माइनस 56 ठीक है 60 और डिवाइड बाई 5 मीटर मतलब 12 की रेट से सेम रेट से वेरी कर रहा है तो ये स्लोप सेम होगी ठीक है 116 यहाँ पे। ये हो गया स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के डायग्राम के केस में। ये स्लोप पे ध्यान रखना जैसे कि यहाँ पे स्लोप इससे ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा रेट से वेरी करता तो स्लोप कम हो जानी थी क्योंकि बाहर की तरफ एक्सटेंड होना था ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैपिलरी की केस में। कैपिलरिटी में अब इतना ध्यान रखना कि कैपिलरिटी में देखो जो पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन था वो ट्रायंगुलर था लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू कैपिलरी जो आ रहा है वो रेक्टेंगुलर आ रहा है। रेक्टेंगुलर कैसे आ रहा है अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये जो प्रेशर इंक्रीज करा है ये ड्यू टू कैपिलरी इंक्रीज किया है तो ये ट्रायंगुलर है ठीक है। लेकिन पोर प्रेशर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था नेगेटिव में था, यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ फिर जीरो उसके बाद पॉजिटिव ठीक है। तो पोर वाटर प्रेशर में डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव ठीक है और इफेक्टिव स्ट्रेस में रेक्टेंगुलर होता है ठीक है। ये कंक्लूजन एक टाइप से इसका ठीक है। तो ये कैपिलरी टेंशन और ये कैपिलरी प्रेशर, कैपिलरी टेंशन जो वाटर में एक्चुअल फोर्स है ठीक है वो, और कैपिलरी प्रेशर जो वाटर वॉल्स पे फोर्स लगा रहा है मतलब सॉइल पे फोर्स लगा रहा है वो कैपिलरी प्रेशर। अब थर्ड इसमें सीपेज ठीक है। सीपेज की वजह से टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस कैसे इफेक्ट हो रही है ठीक है। तो सीपेज हमें पता है सीपेज कैसे होती है। सीपेज अगर वाटर हेड में डिफरेंस है तो सीपेज मतलब हाई हेड टू लो हेड फ्लो करेगा। जैसे सपोज करो ये बियर है ठीक है, अब इस साइड वाटर है ठीक है, इस साइड नो फ्लो है, नो फ्लो कंडीशन है, यहाँ पे फुल है यहाँ पे कोई वाटर नहीं है ठीक है। तो यहाँ पे हेड है H1 ठीक है, इस पॉइंट पे कोई हेड नहीं है तो एक टाइप से हेड डिफरेंस हो गया H1 हेड डिफरेंस हो गया। यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल होगा उस पर हेड H1 है ठीक है, यहाँ पे वाटर पार्टिकल के कोई हेड नहीं है ऊपर ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो वाटर हाई हेड टू लो हेड फ्लो करेगा ठीक है। हाई हेड टू लो फ्लो कर रहा है तो मतलब सीपेज हो रही है ठीक है। अब सीपेज की वजह से क्या होता है, सीपेज की वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में सीपेज वाटर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से विस्कस फ्रिक्शन की वजह से इनके ऊपर फोर्स लगती है ठीक है। तो सीपेज फोर्स लगेगी सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लग रही है तो वो इफेक्टिव स्ट्रेस में काउंट होगी एक टाइप से ठीक है। तो सिंपल सीपेज प्रेशर कितना होता है सीपेज हेड इंटू गामा डब्ल्यू सीपेज प्रेशर ठीक है। अब हम सपोज करें कि जेड थिकनेस में एच हेड लॉस हो रहा है, सीपेज हेड क्या होता है हेड लॉस ड्यू टू सीपेज टोटल हेड लॉस ठीक है। अब इसमें जैसे कि इस केस में सीपेज हेड कितना होगा H1 ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वाटर नहीं है। अगर यहाँ पे H2 वाटर होता H2 होता तो सीपेज हेड कितना सिंपल होना था H1 माइनस H2 ठीक है। लेकिन हमारे केस में कोई वाटर नहीं है तो सीपेज हेड टोटल H1 हो गया ठीक है। अब सपोज करो ये जो हेड है जेड डेप्थ में लॉस हो रहा है इसका ठीक है, जेड से इसको सिंपल डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे H अपॉन Z इंटू गामा W। अब हमें पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ H अपॉन Z ठीक है। तो सिंपल I इंटू Z इंटू गामा W, ये सीपेज प्रेशर ठीक है, सीपेज प्रेशर। अब सीपेज प्रेशर कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी ठीक है, जिस डायरेक्शन में सीपेज हो रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती है ठीक है, और ये इफेक्टिव स्ट्रेस में काउंट होती है सिंपल। तो अगर वर्टिकल सीपेज अपवर्ड सीपेज है, वर्टिकल अपवर्ड सीपेज है ठीक है, तो सीपेज जो उसमें फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी तो इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस वो नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है सॉइल का वो डाउनवर्ड होता है ठीक है, डाउनवर्ड। तो इसमें अपोजिट इसके सीपेज प्रेशर लग रहा है ठीक है, तो ये इससे माइनस हो जाती है सीपेज प्रेशर। अब कैसे इसमें हेड लॉस होता है कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, सपोज करो सॉइल की लेयर्स हैं ठीक है, ये वाटर टेबल है, इसके वो वाटर सॉरी सॉइल, ये वाटर टेबल है ठीक है, ये वाटर है, ये सॉइल है ठीक है। अब इसमें डेप्थ H1 ठीक है। अब अगर कोई सीपेज नहीं होती उस केस में हम यहाँ पे पीजोमीटर इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे पीजोमीटर इंस्टॉल करते हैं तो वो राइज करना था वाटर, इसमें कितना राइज करना था। पीजोमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है प्रेशर हेड ऑफ वाटर ठीक है, प्रेशर हेड ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल है उस पर टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है, या हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन कितना है टोटल, जो इसकी वाटर की डेप्थ है H1 प्लस H ठीक है। तो H1 प्लस H इंटू गामा W हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे पर यूनिट एरिया ठीक है। अब इसमें तो सिंपल वाटर पार्टिकल कहाँ तक राइज करेगा, इसके वाटर टेबल तक, यहाँ तक राइज करेगा। ठीक है, अब सपोज करो कि सीपेज जो हो रही है डाउनवर्ड सीपेज हो रही है, डाउनवर्ड सीपेज। ठीक है, अब सीपेज जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में हेड लॉस होता है। ठीक है, हेड लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस होगा, ड्रैग फोर्स लगेगी पार्टिकल्स में, वो सीपेज प्रेशर होगा। ठीक है, सीपेज फोर्स होगी। अब इसमें अगर सीपेज वर्टिकल डाउनवर्ड हो रही है, ठीक है, तो जो यहाँ पे हेड है, ठीक है, तो हेड लॉस होगा। अब सपोज करो इनिशियली ऐसे राइज इतना होना था, ठीक है, अगर कोई सीपेज नहीं होती, नो सीपेज कंडीशन के केस में, नो सीपेज के पीजोमीटर में इतना राइज करना था। ठीक है, लेकिन अब सीपेज हो रही है तो हमें पता है कि हेड लॉस होगा इन डायरेक्शन ऑफ सीपेज। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हेड लॉस होगा, तो एक्चुअल में जो इसमें वाटर होगा, ठीक है, हम सपोज करते हैं एक ऐसे पीजोमीटर जब सीपेज हो रही है उस केस में लगाएंगे। ठीक है, तो उसमें वाटर कम हाइट तक राइज करेगा। ठीक है, ये हेड लॉस हो जाएगा, हेड लॉस हो जाएगा ड्यू टू सीपेज। ठीक है, सिंपल। अब सब इसमें सपोज करो जेड हाइट में हेड लॉस हो रहा है एच एल। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, सिंपल एच एल अपॉन जेड, एच एल अपॉन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एच एल अपॉन जेड हो गया। ठीक है, तो इसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को जेड इंटू गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपेज प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज करो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये डायग्राम दी है, ये प्रेशर इतना दिया है एच एल, ये हेड लॉस है, यहाँ से डिफरेंस है एच एल। ठीक है, हेड लॉस है, अब इतना हेड लॉस है। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज करो एट डेप्थ जेड, एट डेप्थ जेड पे टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो एट डेप्थ जेड पे टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, इसके सिंपल यूनिट वेट गामा सेचुरेटेड रख लो। ठीक है, तो H1 इंटू गामा W प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू जेड। ठीक है, ये टोटल स्ट्रेस हो गया। अब न्यूट्रल वाटर प्रेशर देखना इस पॉइंट पे कितना है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे न्यूट्रल वाटर प्रेशर है, इसका जो यहाँ पे पीजोमीटर में राइज कर रहा है जो प्रेशर हेड है वो एक्चुअल में एच जेड प्लस H1 से HL कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वाटर हेड है, सिंपल ये कितना हो गया Z प्लस H1 माइनस HL। ठीक है, Z प्लस H1 माइनस HL इंटू गामा W। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल स्ट्रेस इस केस में। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिंपल सिग्मा डैश इज इक्वल टू H1 इंटू गामा W प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू Z माइनस Z इंटू गामा W माइनस H1 इंटू गामा W प्लस HL इंटू गामा W। HL इंटू गामा W, और इनको माइनस करेंगे तो सिंपल H1 इंटू गामा W कैंसिल हो गया। ठीक है, तो गामा Z इंटू गामा W, ठीक है, गामा डैश इंटू Z, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डैश W हो गया, गामा समर्स्ड। ठीक है, प्लस HL इंटू गामा W, इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो अब इसमें देखें, इसमें तो HL इंटू गामा डब्ल्यू एडिशनल टर्म आ रही है, एडिशनल टर्म आ रही है, तो सिंपल क्या इसका मीनिंग हुआ कि सीपेज की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, सिंपल। ठीक है, अब अगर सीपेज सपोज करो अपवर्ड डायरेक्शन में होती, अगर आपको फाइंड आउट करना, डायरेक्ट दिया नहीं है कि सीपेज कौन सी डायरेक्शन में हो, और अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल भी यहीं तक रख लो, सिंपल। ठीक है, अब इसमें दो पीजोमीटर इंस्टॉल करके दिए हैं, एक डेप्थ, इन दोनों के बीच में थिकनेस डिफरेंस है जेड, ठीक है, जेड मीटर। अब देखो अगर एक्चुअल में इसमें पीजोमीटर हम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें अगर सीपेज नहीं होती तो उस कंडीशन में इसने यहाँ तक राइज करना था, ठीक है, यहाँ तक, मतलब जो इनिशियल इसका वाटर टेबल है। सेम इस केस में, अगर इस केस में यहाँ पे पीजोमीटर इंस्टॉल करते हैं, अगर सीपेज नहीं होती तो उसने यहाँ तक इंस्टॉल करना था, यहाँ तक राइज करना था वाटर ने, ठीक है। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो सिंपल यहीं तक राइज कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक राइज कर रहा है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करते, मतलब ट्रैवलिंग के दौरान इसमें इतना हेड लॉस हो गया, ठीक है, हेड लॉस हो रहा है। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हेड लॉस हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हेड लॉस नहीं हो रहा है, तो हेड तो यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हेड लॉस हो रहा है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जब अपवर्ड की तरफ हम जा रहे हैं तो हेड लॉस हो रहा है, तो सिंपल इसका मीनिंग हुआ कि सीपेज अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड सीपेज का केस है, अपवर्ड सीपेज का केस है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सपोज करो ये एच डेप्थ है, एट डेप्थ एच पे हम फाइंड आउट करना हो हमें टोटल स्ट्रेस, ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस सिंपल के जगह एच इंटू गामा सेचुरेटेड, ठीक है, और न्यूट्रल वाटर प्रेशर कितना होगा, ये सपोज करो एच एल है। अब न्यूट्रल वाटर प्रेशर, इसमें हमने पीजोमीटर इंस्टॉल किया है तो वाटर यहाँ तक राइज कर रहा है, उसके वाटर टेबल तक राइज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मतलब इसमें प्रेशर हेड कितना है, एच माइनस एच एल, ठीक है, एच माइनस एच एल इंटू गामा डब्ल्यू, न्यूट्रल वाटर प्रेशर एट दिस एट डेप्थ H, ठीक है, तो सिंपल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा एट डेप्थ H पे, सिग्मा माइनस यू H इंटू गामा सेचुरेटेड माइनस अपवर्ड सीपेज है, ठीक है, तो अब यहाँ तक भी हेड लॉस होगा, ठीक है, H माइनस एच एल, ठीक है, इंटू गामा डब्ल्यू सिग्मा डैश एच इंटू गामा सेचुरेटेड, ठीक है। अब यहाँ तक है तो वाटर एक्चुअली इसमें हेड जो है ना, इसका इनिशियल हेड लॉस होगा, तो वाटर हेड जो होगा इससे ऊपर होगा अगर यहाँ तक हम वाटर टेबल ले रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि वाटर लॉस होगा तभी यहाँ तक आएगा, ठीक है, तो टोटल इसमें लॉस जो होगा टोटल थिकनेस में, टोटल लॉस कैपिटल एच एल कंसिडर करते हैं, ठीक है, कैपिटल एच एल कंसिडर कर रहे हैं कितनी डेप्थ में हेड लॉस हो रहा है, एच प्लस एच जेड में, ठीक है, तो एच प्लस एच जेड थिकनेस में हेड लॉस एच एल हो रहा है, ठीक है, एच एल हो रहा है जब यहाँ से हम ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इसका वाटर लेवल इतना है, ठीक है, तो अब इसमें हेड लॉस इतना हो रहा है एच प्लस जेड में, ठीक है, तो इसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, सिंपल एच प्लस जेड सॉरी एच एल डिवाइड बाई एच प्लस जेड, ठीक है, एच प्लस एच एच एल डिवाइड बाई एच प्लस जेड, ये इसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया सिंपल, ठीक है। लेकिन अब इसमें ऊपर तक राइज करेगा क्योंकि इसमें भी यहाँ पे हेड ज़्यादा है, ठीक है, एच एल ऊपर तक जाएगा क्योंकि अपवर्ड सीपेज हो रही है ना, तो वाटर हेड यहाँ से यहाँ तक लॉस करेगा, ठीक है, तो जो एक्चुअल में होना था, ठीक है, यहाँ पे इतना होना था अगर यहाँ पे कोई सीपेज नहीं होती, ठीक है, लेकिन सीपेज अपवर्ड हो रही है तो मतलब अपवर्ड सीपेज में यहाँ पे प्रेशर हेड ज़्यादा चाहिए, ठीक है, सीपेज हाई हेड टू लो हेड चलती है, ठीक है, तो यहाँ पे हाई हेड होगा, यहाँ पे लो हेड है, तो यहाँ से अपवर्ड सीपेज होगी, ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस एच एल इंटू गामा डब्ल्यू आएगा, H प्लस एच एल इंटू गामा डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रेशर हेड कितना है H प्लस एच एल, ठीक है, ये हो गया टोटल हेड और प्रेशर हेड पीजोमेट्रिक हेड। तो इसमें सिंपल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, एच इंटू गामा सेचुरेटेड माइनस एच प्लस एच एल इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिंपल एच इंटू गामा समर्स्ड माइनस एच एल इंटू गामा डब्ल्यू सिग्मा डैश, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो एच एल इंटू गामा डब्ल्यू मैग्नीट्यूड से कम होगी, ठीक है। अब इफेक्टिव स्ट्रेस कम होगी सिंपल, मतलब अपवर्ड सीपेज है, अपवर्ड फोर्स लगेगी, इफेक्टिव स्ट्रेस जो सॉइल की वजह से स्ट्रेस लगती है वो डाउनवर्ड होती है, तो इन दोनों का डिफरेंस कम हो जाएगा सिंपल, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन आती है क्विकसैंड कंडीशन, क्विकसैंड कंडीशन, क्विकसैंड कंडीशन ड्यू टू सीपेज ये होते हैं। इसमें क्या होता है कि सिंपल इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है। क्विकसैंड कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस कब जीरो होगा? जब अपवर्ड सीपेज और जो डाउनवर्ड इसमें फोर्स लगेगी वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर हम सपोज करो इस h हाइट कंसीडर करते हैं, ठीक है, h हाइट कंसीडर करते हैं तो डाउनवर्ड वेट कितना लगेगा इसमें? सिंपल गामा डैश इंटू एच और माइनस एच एल इंटू गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो गामा डैश इंटू एच माइनस एच एल अपॉन हम इसको सिंपल h कर देंगे, h इंटू गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। एच है जितनी हाइट में जितनी थिकनेस में हेड लॉस हो रहा है, एच एल हेड लॉस जो हो रहा है वो इन थिकनेस h हो रहा है। ठीक, तो गामा डैश इंटू एच माइनस आई इंटू एच इंटू गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सिंपल कितना है? गामा डैश अपॉन गामा डब्ल्यू, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जब किसी भी सीपेज फ्लो के केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू गामा डैश अपॉन गामा डब्ल्यू हो जाएगा तो वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, मतलब वहाँ पे क्विकसैंड कंडीशन अचीव हो जाएगी। अब गामा डैश क्या होता है? गामा डैश हमें पता है, गामा सिंपली यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है? जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। गामा सेचुरेटेड क्या होगा? जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन वन हो जाएगा एस वन हो जाएगा जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। और गामा सबमर्ज्ड क्या होता है? गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, तो सिंपल g माइनस वन अपॉन गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई, ये गामा सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई सी आर अगर इसको डिनोट करें तो गामा डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, गामा डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, g माइनस वन अपॉन वन प्लस ई। ठीक है, यह है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सिंपली मतलब जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट g माइनस वन अपॉन वन प्लस ई हो जाएगा तो आपकी क्विकसैंड कंडीशन आ जाएगी। अब क्विकसैंड कंडीशन हो रही है मतलब सिंपल इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होगा तो सैंड की कंडीशन में क्या हो जाएगा? सैंड। अब शियर स्ट्रेंथ क्या होता है? शियर स्ट्रेंथ टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा डैश टेन फाई। ठीक है, अब सैंड के केस में बताइए कि सी की वैल्यू मतलब कोहेजन जीरो होती है। ठीक है, तो सिग्मा डैश जीरो हो जाएगा तो शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगी सैंड के केस में। तो इसका ये भी कंक्लूजन होगी कि क्विकसैंड कंडीशन के केस में सी स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्ले के केस में सी स्ट्रेंथ जीरो नहीं होगी क्योंकि सी की वैल्यू होती है तो कोहेजन जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो इसके सिंपल सीपेज के ऐसे न्यूमेरिकल रहेंगे। अब सीपेज में बस इतना ध्यान रखना कि सीपेज की डायरेक्शन कौन सी है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर हम अब इस केस में हमने सपोज करो कैलकुलेशन करनी है सेचुरेटेड इफेक्टिव टोटल और न्यूट्रल निकालना हो, गामा सेचुरेटेड हम कंसीडर कर लेते हैं 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, कैपिटल H 3 मीटर कंसीडर कर लो, Z 5 मीटर कंसीडर कर लो। ठीक है, Z इज इक्वल टू 5 मीटर कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो 11 पे एट 11 टोटल स्ट्रेस सिंपल 22 इंटू 3 66 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूट्रल वाटर प्रेशर यहाँ पे वाटर हेड कितना है? H प्लस एच एल, एच एल हम कंसिडर 1 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर। ठीक है, तो 3 प्लस 1 4 मीटर, 4 मीटर इंटू गामा डब्ल्यू 10 कंसिडर कर ले, 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, 40 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूट्रल वाटर प्रेशर। ठीक है, तो इफेक्टिव से सिंपल सिग्मा माइनस यू 66 माइनस 40 26 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एट 22, ठीक है, अब एट 22 पे फाइंड आउट करना है हमें टोटल स्ट्रेस। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस तो सिंपली हो जाएगी गामा सेचुरेटेड इंटू 5 प्लस 3 8 मीटर। ठीक है, 22 इंटू 8 मीटर 176 किलोन्यूटन पर मीटर सी। ठीक है, अब यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, न्यूट्रल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है और सपोज करो कि पीजोमीटर में कितना राइज हो रहा है वो हमें दिया नहीं है। ठीक, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। अब इस केस में हमें पता है कि इस डेप्थ फॉर h मीटर डेप्थ और 3 मीटर फॉर 3 मीटर डेप्थ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है, हेड लॉस कितना होगा, टोटल कितना है यहाँ पे हेड 4 मीटर 3 प्लस 1 4 मीटर और वैसे कितना था 3 मीटर, तो टोटल हेड लॉस कितना हो रहा है 1 मीटर, 1 मीटर हेड लॉस हो रहा है इन 3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब इसके बाद है 5 मीटर। ठीक है, तो टोटल अब 5 प्लस 3 8 मीटर, टोटल 8 मीटर में कितना हेड लॉस होगा? आई इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू 8। ठीक है, 8 बाई 3 मीटर हेड लॉस होगा। 2.67, हम इसको 2.67 मीटर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल हेड लॉस 2.67 मीटर अप टू डेप्थ 8 मीटर, अप टू डेप्थ 8 मीटर में 2.67 मीटर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर हेड कितना होगा टोटल 8 मीटर प्लस 2.67 मीटर, ठीक है। तो यू कितना हो जाएगा 10.67 इंटू 10, ठीक है, 106.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया न्यूट्रल स्ट्रेस, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस सिंपल, इन दोनों का डिफरेंस, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा 176 माइनस 106.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया 69.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया सीपेज में इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस पे क्या इंक्रीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सिंपल क्या होगा कि जब अपवर्ड सीपेज होगी, अपवर्ड सीपेज होगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज करेगा, ठीक है, और न्यूट्रल वाटर स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल जैसे अगर सीपेज नहीं होती तो यहाँ पे हेड कितना था 3 मीटर, ठीक है, और सीपेज है तो 4 मीटर, ठीक है। वैसे तो लॉस हो रहा है, हेड अपवर्ड डायरेक्शन में लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। टोटल स्ट्रेस में वही सेम केस, ठीक है। यहाँ पे टोटल स्ट्रेस तो सेम रेट से इंक्रीज करेगा क्योंकि गामा सैचुरेटेड कांस्टेंट है हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और इस पे 176, ठीक है। अब अगर पोर वाटर प्रेशर, ये सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम तो इस पॉइंट पे 0 और इस पॉइंट पे टोटल कितना है 106.7, ठीक है, 106.7 सेम ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और इफेक्टिव भी सेम हो जाएगा लेकिन कम रेट से होगा क्योंकि उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज किया ड्यू टू सीपेज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल, ठीक है, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेस। तो इसमें मेन कहता है कि कैपिलरी से कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, सरचार्ज में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग और आफ्टर सम लोडिंग, ठीक है, और कैपिलरी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस पे, ठीक है। तो ये 3 थे सॉइल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। थैंक यू। Subscribe to us now. ECG has joined hands with NeoStencil to provide online live lectures for ESE, GATE, SSC JE coaching in Pan India.